लेकर आ गई। सबसे पहले मलाई निकालती हूँ और चाय बनाते हैं। फिर से आटा मैंने निकाल दिया है, रोटी भी पकाते हैं और जल्दी से सहरी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए रोटी बना ली और चाय बन रही है। अभी मैं ऑमलेट भी बना रही हूँ, तो आज मेरा मूड हो रहा था ऑमलेट खाने का, तो यहाँ पे ऑमलेट भी पक चुका है। अब बस इसको निकालते हैं और रखते हैं ट्रे में, और साथ में एक ही ट्रे में मैंने रोटी भी रख दी, ऑमलेट भी रख दिया। तो अब चल के सहरी करते हैं, सहरी का टाइम हो रहा है। तो बस 4 बजे उठ जाती हूँ, 4:15 तक सहरी हो जाती है। तो उसके बाद अभी यहाँ पर बच्चों का सुबह का नाश्ता हो रहा है, बच्चों को स्कूल जाना है। तो यहाँ पे अभी मैंने सारा झाड़ू पोछा लगा लिया, मैट्रेस को ऊपर कर दिया था और अभी बस फर्श सूख गया है। अभी मैट्रेस को नीचे रखते हैं और खिलौने अभी इसी रूम में रखते हैं, इधर ही साइड पे, और चल के लेकर आते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी है? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, बच्चे भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी आज है 11 रोज़ा और रमज़ान का कल पहला आशूरा ख़त्म हुआ है और आज से दूसरा आशूरा शुरू हो चुका है। और आज है जी 11 रोज़ा और आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक, रमज़ान का आज है दूसरा जुम्मा। और ना बस अभी जुमे नमाज़ हम लोगों ने ज़ोहर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है। अभी मैंने कहा थोड़ी बहुत कुरान शरीफ़ की तलावत करती हूँ। तो जी कुरान शरीफ़ की तलावत करने लगी थी तो मैंने कहा चलो आप लोगों को पहले थोड़े बहुत सलाम भी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी आगे पीछे मुझे सलाम करना पड़ता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी मैं कुरान पढ़ लेती हूँ, फिर बाकी की जो अफ्तारी रूटीन होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कहाँ जा रही है? ऊपर दादा दादी के पास। इतना तैयार हो के हील वाले सैंडल? हाँ अच्छा जी, बाय जा रही है, बाय बाय। बन रहे हैं और आलू पकोड़े बना रहे हैं, बच्चे रोज़ अभी बोलते हैं आलू पकोड़े ही बनाओ, तो यहाँ पे मैं आलू पकोड़े बनाती हूँ। और अभी साथ में कभी दही बड़े आज देखती हूँ, आलू पकोड़े और समोसे बना लूँ और जल्दी से फ्रूट चाट बनाते हैं, टाइम बहुत ही कम रह गया है। पड़ोसियों से हमें मिला पुलाव पकोड़े, तो हम लोगों ने सेवैयाँ बनाई थी वो दे दी, उनको दूध सेवैयाँ दी थी और ये सास ने भी सेवैयाँ भेजी, अभी पकोड़े बन जाए तो उनको भी बेचते हैं। तो यहाँ पे आलू के पकोड़े मैंने गोल भी बनाए, कुछ फ्राइज़ की तरह बनाए और ये सादा पकोड़े हो गए। और यहाँ पे बस अभी फ्रूट चाट रखनी और शरबत, तो ये चलो दस्तरखान पर रखते हैं सब कुछ। जी जी जी। तो यहाँ पे अभी मैं कमरे में आ गई थी, ना किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, हालत ख़राब हो रही थी, तो मैं कमरे में आके बैठ गई, पंखा खोल के मैंने बोला मैं अभी थोड़ी देर इधर बैठी हूँ। तो बच्चों को मैंने कहा दस्तरखान पे आप रखें सारी चीज़ें, तो मुमता और इकराश अब्दुलातीन अभी रख रहे हैं दस्तरखान पर। तो यहाँ पर अभी सारा कुछ अभी हम लोगों ने दस्तरखान पे रख दिया है, अभी बस अज़ान होने ही वाली है, रोज़ा खुलने ही वाला है। और बस अभी गिलासों में मैं शरबत भी डालने लगी हूँ, तो यहाँ पर जी रोज़ा खुल चुका है, रोज़ा खुल चुका है। बारी बारी सब बर्तन हम लोगों ने किचन में रखे हैं, अभी इनको वॉश करते हैं सारों को। और बच्चे बस अभी लग गए जी मोबाइल में, नया ने कार्टून लगा दिए। ओह ये क्या हो रहा है, लाइट को के दे रहा था, ढीला हो गया था, तो अभी इसको मैंने थोड़ा घुमाया है, सही किया है तो सही हो गया है। तो बस अभी कुर्सी को निकालती हूँ मैं बाहर। तो अभी चाय पीने का मूड हो रहा है, तो अभी यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बनाने लगी हूँ। तो अभी मैंने चाय पी ली, इतना मूड हो रहा था चाय पीने का और बर्तन अभी तक मैंने नहीं धोए, अभी मैं जाके बस बर्तन धोने लगी हूँ। और उसके बाद अभी ये बस रात का भी सारा काम मेरा ख़त्म होने लगा है, उसके बाद बच्चों को सुलाना है। तो इधर ही आज के ब्लॉग को मैं कर रही हूँ एंड आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।